सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिव्या पोखरियाल कक्षा 5 की छात्रा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बीरोखाल से आज आपके समक्ष उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई बीरबाला तिलो रौतेली से संबंधित 6वीं कड़ी में हाजिर हूँ। अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें। रामू रजवार छिपता छिपता पीछा करता आता था, हर पल बदला लेने का वह मन संकल्प दोहराता था। हार पचा सकाना नाद से चोट पड़ी, मन भारी थी बेचैनी थी बढ़ती उसकी, उतल फुतल मन जारी थी। तिलके दिए घाव हरे थे तन मन पर अभिमानी के, चौकन्ना छिप जाड़ी पीछे नजरे थी दरिया पानी में। जहाँ काया दमक रही थी बिजली के फूलों से, सुंदरता की खुशबू के संग मन में चुभन उसूलों की। अलहड़ ऐनावर्त सौंदर्य जब झलक रहा हो पानी में, भोगी ही क्या योगी भी तो रसमग्न हो तो नदानी में। सुकुमार बाला कनक कलेवर भाव हृदय हैराने के, अवाक रह गया दुश्मन देख चिन्ह सुडोल जवानी के। दरिया दृश्य देख दरिंदे को हो रही मन बेचैनी थी, जब दिख जल विहार करती उसको वह मृग नैनी थी। शीश अचानक झटका उसने क्रोध में जबड़े बीचे थे, होश में आने हेतु तुरंत ही आँख कान भी मीचे थे। उठा तूफान दुश्मन आए का हाथ खुकर पे डाला था, शरीरी बासा के तब लगता साक्षात यम का साला था। जालिम सर का धीरे धीरे मन पक्का इरादा था, मिलवे मौका खोज रहा था जो कत्यूरी प्यादा था। गहरी पेठी सहचरिन तीलू छिछले पानी उतारी थी, उठा हाथ जालिम का तब ही गर्दन खुकरी मारी थी। उठा हाथ जालिम का तब ही गर्दन खुकरी मारी थी। उठा हाथ जालिम का तब ही गर्दन खुकरी मारी थी।